हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानंकु स्वागत। मुहे उचि आलोक, आज आम डिस्कशन करबा ओएसएससी रो किछि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जाकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आउ मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन गुड़िक आसे। तो ए वीडियो को देखिबा पूर्वरु जे माने हम चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांति बर्तन सब्सक्राइब करिनियंतु एभली भलो भलो वीडियो देखिबा पई। तबे चालंतु आरंभ करबा। तो प्रथमे हमर रहिछि रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जाकि ओएसएससी रो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो एथरु दि मार्कर क्वेश्चन आसे, तो आम डिस्कसन करिया, बहुत कम क्वेश्चन रही। तो चलत आरंभ करवा। तो आम प्रथम रही वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आम एस्टाब्लीश होता जुलाई 1944 रे। तो जहाँकि वर्ल्ड बैंक आम एस्टाब्लीश होता भल भाव मन रखुद जुलाई 1944 रे वर्ल्ड बैंक एस्टाब्लीश होता ब्रिटेन वुड्स रे न्यू हेमिस्फीयर रे। तो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट पब्लीश कराए से गुड़िकमर ईज अफ डुईंग बिजनेस, ग्लोबल मॉनिटरिंग इंडेक्स, ग्लोबल प्रोवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स। तो यह भाव में चारिटा आमर जो रिपोर्ट पब्लीश करें वर्ल्ड बैंक। तो यूर क्वेश्चन तो निश्चिंत तो डायरेक्ट आस भल भाव मन रखु वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट पब्लीश करें से गुड़िकज अफ डुईंग बिजनेस, ग्लोबल मॉनिटरिंग इंडेक्स, ग्लोबल प्रोवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स बा ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स। तो यह भाव में चारिटा इंडेक्स को सी पब्लीश करें रिपोर्ट को पब्लीश करें वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो ईज अफ डुईंग बिजनेसटा करेंटा हूँ विभाग हूँ IBRD। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनटा एस्टाब्लीश होता 1 January 1995 रे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्टा पब्लीश करते सेटा होची द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट रो माने पब्लिशर होची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बा WTO। तो भल भाव मन रखु WTO पब्लीश करते जो रिपोर्टा से द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही UNDP बा यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। तो आम UNDP हूँ यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। तो UNDP जो रिपोर्टा पब्लीश करें से गुड़िकमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टीडाइमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स। तो UNDP फास्ट एस्टाब्लीश होता 22 November 1965 आमेरिका। तो भल भाव मन रखु UNDP बा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिपोर्टा पब्लीश करते से गुड़िक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टीडाइमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स। तो यह भाव में तीन टा इंडेक्स से रिपोर्ट को पब्लीश करें UNDP। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही IMF। तो IMF रो फुल फॉर्म टा होची इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जहाँकि इस्टाब्लीश होता 27 December 1945 रे, जहाँकि 188 मेम्बर आमर अच्छा बर्तमान सुधा 189 मेम्बर अच्छा कोसोवो को मिसेले, जहाँकि UN मेम्बर अच्छा 188 आउ UN नॉन UN मेम्बर गोटे रहिला आड है कि कोसोवो। तो ताकु मिसेले 189 मेम्बर मैंने टोटाल अच्छा बर्तमान IMF रे। तो IMF जो रिपोर्टा पब्लीश करें आमर IMF सेटा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो भल भाव मन रखु IMF जो रिपोर्टा पब्लीश करेंगुड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही ILO। तो ILO रो फुल फॉर्म हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आम एस्टाब्लीश होता 1919। तो बहुत इजी भाव में मन रखिपर 1919 आम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीश होता, जहाँकि जेनेभा स्विट्जरलैंड एस्टाब्लीश होता ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट गुड़िक पब्लीश करते से गुड़िक वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो यह भाव में चारिटा रिपोर्ट को ILO बा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लीश करें। तो भल भाव में रखु इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लीश करते रिपोर्ट से गुड़िक वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही WEF। तो WEF रो फुल फॉर्म हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आम एस्टाब्लीश होता 24 January 1971 रे, जहाँकि फाउंडर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो क्लाउस स्क्वाड। तो क्लाउस स्क्वाड होती फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट गुड़िक पब्लीश करते से गुड़िक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो यह भाव में सी
टोटल 6 रिपोर्ट पब्लिश करी थाए WEF बा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट आमर रहिछि यूनेस्को। तो यूनेस्को होची, यूनेस्को रो फुल फॉर्म होची यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को आमर एस्टेब्लिश हेतला 16 नवंबर 1945। तो भल भाव मन रखु यूनेस्को माने आम जो एस्टेब्लिश हेतला सेटा होची 16 नवंबर 1945। तो 16 नवंबर 1945 जो यूनेस्को एस्टेब्लिश हेतला तार जो रिपोर्ट पब्लिश करा जाए, माने यूनेस्को द्वारा जो रिपोर्टा पब्लिश करा जाए सेटा होची ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो भल भाव मन रखु यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनेस्को जो रिपोर्टा पब्लिश करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही FATF। तो FATF रो फुल फॉर्म समस्ते जानते भल भाव में FATF रे जमी पाकिस्तान आम ग्रे लिस्ट अच्छी ब्लाक लिस्ट जल्दी हम। तो FATF रो फुल फॉर्मटा हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आम गठन होता है एस्टाब्लीश होता 1999। तो 1999 FATF रो माने एस्टाब्लीश होता। तो FATF रो काम जो रिपोर्ट से पब्लीश करते हैं ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट माने पब्लीश करता है FATF। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आमर देसी WHO। तो WHO रो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत गुड़िया रिपोर्ट रही। तो से आम मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे डिस्कशन करवा। तो WHO रो जो एस्टाब्लीश होता सेटा होची 7 अप्रैल 1948। WHO बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीश होता। तो तार मेन जो रिपोर्टा से पब्लीश करते हैं सेटा होची ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्टा आम पब्लीश करते हैं WHO बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आमर देसी WMO। तो WMO रो फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनटा आम एस्टाब्लीश होता 23 मार्च 1950। तो 23 मार्च 1950 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीश होता। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रो मेन रिपोर्ट जो पब्लिश करा जाए सेटा होची स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। तो भल भाव मन रखु WMO जो रिपोर्टा पब्लिश करते हैं सेटा होची स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही FAO। तो FAO रो फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO रो जो मेन कामटा हो माने रिपोर्ट जो पब्लिश करता है सेटा होची स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट्स। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट्स से पब्लिश करता है FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो तार एस्टाब्लीश होता 16 अक्टोबर 1945 क्यूबेक सहर रे जहाँकि कानाडा रही। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आम रही नेक्स्ट आमर देता UPO यूनिवर्सल पोस्टाल यूनियन। तो यूनिवर्सल पोस्टाल यूनियन आमर एस्टाब्लीश होता 9 अक्टोबर 1874। तो 9 अक्टोबर 1874 आमर यूनिवर्सल पोस्टाल यूनियन एस्टाब्लीश होता। तो यूनिवर्सल पोस्टाल यूनियन जो रिपोर्टा पब्लीश करते सेटा होची पोस्टाल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो भल भाव मन रखु UPO जो रिपोर्टा पब्लीश करते सेटा होची पोस्टाल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आमर देसी ICAO। तो ICAO रो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्टा पब्लिश करते हैं सेटा है सेफ्टी रिपोर्ट्स। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखिए आम WWF। तो WWF रो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडटा मैंने आम जो एस्टाब्लीश होता से 29 अप्रैल 1961 मैंने एस्टाब्लीश होता WWF जहाँकि स्विट्जरलैंड मॉर्गिस सहर से एस्टाब्लीश होता। तो से जो रिपोर्टा पब्लीश करता है WWF सेटा हो द एनर्जी रिपोर्ट लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। तो दुईटा रिपोर्ट से पब्लीश करता है WWF। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट आमर देसी ADB। तो ADB फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आम एस्टाब्लीश होता 19 डिसेंबर 1966। तो ADB जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं सेटा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट देखा, करते सेटा है रूरल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भल भाव मन रखु जितने दब जे रूरल डेवलपमेंट इंडेक्स को कौ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं सेटा है IFAD। तो IFAD फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जहाँकि एस्टाब्लीश होता आम इटाली रोम जहाँकि
1977 ମସିହାରେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ବା କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ IFAD, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ରେ 1977 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି BIS। ତ BIS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 17 ମେ 1930। ତ 17 ମେ 1930 BIS ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ତା'ର ମେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ BIS, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ BIS, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରିଲେଟେଡ୍ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ। ତ ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉଟକମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି RBI। ତ RBI ଟୋଟାଲ ଦୁଇଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟଟା କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି RBI। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି FSI। ତ FSIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ FSI, ଯାହାକି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥିଲା ବଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥିଲା CPCB। ତ CPCBର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ CPCB, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ମାନେ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ବା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେସିଡେକ୍ସ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ବା ମାନେ ଆମର କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେସିଡେକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି IEP। ତ IEPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 2008, ଯାହାକି ମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେରିରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେରିରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି IEP, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଯାହାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 2008। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର 4 ମେ 1993, ଯାହାକି ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ଗ୍ଲୋବାଲ କରପ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, କରପ୍ସନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ସ। ତ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ସ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର 1985, ଯାହାକି ମନିପେଲିନରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ସ, ଯାହାକି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥିଲା ଜର୍ମାନ ୱାଚ୍। ତ ଜର୍ମାନ ୱାଚ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଏ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 1991, ଜର୍ମାନ ୱାଚ୍, ଯାହାକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ ମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ବା ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ୱାଚ୍।